हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये है हायर वॉशिंग मशीन टॉप लोड फुल ऑटोमेटिक। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सा एरर कोड आता है और किस कारण आता है और इसको कैसे सॉल्व करें, इसी पे यह वीडियो है। वीडियो बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो चलो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसमें कौन कौन सा एरर कोड आता है और किस कारण आता है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं F2। तो F2 एरर कोड जो होता है इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, मतलब वॉशिंग मशीन में ओवरफ्लो, पानी ज़्यादा भर जाना। इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इनलेट वाल चेक करना पड़ेगा। इनलेट वाल में को चेक करना पड़ेगा, उसमें लगा होता है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच जब वॉशिंग मशीन चलती है तो प्रेशर स्विच आपका जो पानी का प्रेशर होता है कटअप करता है या नहीं करता है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। और प्रेशर स्विच का एक पाइप लगी होती है जिसमें एयर आता है, एयर ही प्रेशर स्विच को कटअप करता है, उसमें सेंसर होता है, तो वही सब उसको सेंस करते हैं, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। या तो प्रेशर स्विच पे सही तरह से सप्लाई नहीं आना, पीसीबी को चेक करें। यह करने से आपका F2 एरर कोड समाप्त हो जाएगा। अब फिर चलते हैं दूसरा एरर कोड है E6 या FA। इसका मतलब होता है वाटर सेंसर प्रॉब्लम। जो आपके प्रेशर स्विच के अंदर एक सेंसर लगा होता है वो सही तरह से काम ना करना, उसमें जो DC सप्लाई होती है सही तरह से नहीं आ रही है या प्रेशर स्विच खराब है, इसका भी कारण हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा डिस्प्ले पे दिखाई पड़ता है E6 या FA दिखाई देता है, इसी के कारण होता है, सेंसर के कारण जो हमारा पानी को सेंस करता है, तो इसी के कारण यह होता है। इसको आप सही करें और ये बिल्कुल F6 या FA जो हमारा एरर कोड आता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिर हम चलते हैं आपको E8। E8 का मतलब होता है डूर लॉक गेट पे, जो डूर लॉक लगता है वो टूट जाने के कारण ये E8 का एरर कोड दिखाई देता है। आप डूर लॉक को सही करें, बिल्कुल आपकी वॉशिंग मशीन चल जाएगी। एक डूर लॉक में दरवाज़ा फंसता है वो टूट जाता है, या डूर लॉक ही टूट जाए तो इसी के कारण यह E8 का एरर कोड आता है। आप इसको सही करेंगे, बिल्कुल आपकी वॉशिंग मशीन सही हो जाएगी। अब चलते हैं E4। E4 का मतलब होता है प्रेशर स्विच और इनलेट वाल्व में प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि आपके वॉशिंग मशीन में पानी धीरे धीरे आने का मतलब होता है, पहले आप अपनी टूटी में अगर पाइप लगा हो तो आप उसको चेक करेंगे, उसमें चेक ये करना है कि क्या कहीं टूटी से ही तो पानी धीमे धीमे नहीं आ रहा है। अगर वहाँ सही है तो आप जहाँ पे पाइप आप इनलेट पे लगा होता है, इनलेट पे आप उसमें एक फिल्टर लगा होता है, आप उस फिल्टर को चेक करेंगे, हो सकता हो कि उसमें कचरा जम गया होगा तो उसको आप साफ़ करेंगे। ये आपका जो E4 एरर आता है वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ही हो गया कि पानी धीरे धीरे आना, पानी कम आना या पानी बिल्कुल ना आना, इसका कारण यही होता है। तो आपका अगर प्रेशर स्विच भी ख़राब हो जाएगा तो E4 एरर आएगा। प्रेशर स्विच चेक करना है और पानी को चेक करना है, क्या पानी वॉशिंग मशीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो टोटी से पानी आ रहा है उस पाइप को चेक करना है, टोटी को भी देख लेना है क्या टोटी में पानी है कि नहीं। ये सब कर देंगे E4 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगला E2।
E2 का मतलब होता है कि आपका वॉशिंग मशीन का गेट सही तरीके से बंद नहीं हुआ है, या सही तरीके से बंद ना होना, या चलते समय डोर को खोल देना, तो E2 का एरर आता है। तो अगर ऐसा एरर आता है तो आप गेट को सही तरह से चेक करें, E2 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं E1। E1 का मतलब होता है ड्रेन प्रॉब्लम, ड्रेन का पानी धीरे धीरे निकलना। तो धीरे धीरे निकलने का मतलब होता है इसमें 3-4 कारण हो सकते हैं। नंबर एक, जो आपके ड्रेन पंप में फिल्टर लगा होता है वह उसमें कचरा जम गया हो। दूसरा, आपके ड्रेन पंप के जो आउटलेट पानी बाहर निकालता है वहाँ पे कचरा जमना, या आपकी ड्रेन पंप को आपको सर्विस करना पड़ेगा, या उसमें जो पाइपें लगी होंगी उनको आपको सर्विस करना पड़ेगा। तो जो ड्रेन, जो आपके ड्रम से पाइप, ड्रम की पाइप होती है ड्रेन पंप पे लगी होती है, वहाँ भी कचरा आ सकता है और जाम हो गया हो। या ड्रेन पंप से जो एक फिल्टर लगा होता है जिसको हम घुमा के खोलते हैं, वहाँ भी कचरा फंसा हो सकता हो, या आपके ड्रेन पंप जाम हो, सही तरह से पानी ड्रेन नहीं कर पाने। तो ये है, आपको 2-3 चीज़ सही कर देना, जो आपका E1 एरर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो E1 एरर कोड आता है, पानी सही तरह से ड्रेन ना होना। अब चलते हैं अगला, E3। E3 का मतलब होता है कि ड्रम वॉशिंग मशीन डिसबैलेंस हो जाना। डिसबैलेंस कैसे होती है? या तो आपने जो कपड़ा डाला है वॉशिंग मशीन में एक तरफ डाल दिया है, तो एक तरफ डालने से क्या होता है, वॉशिंग मशीन डिसबैलेंस हो जाती है। या आपके वॉशिंग मशीन में जो 4 पाया होते हैं, एक पाया निकल गया हो, या आपकी वॉशिंग मशीन ऊपर नीचे रखी गई हो, इसका मतलब होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन सही बैलेंसिंग नहीं है, इसीलिए E3 का एरर आता है। तो आप वॉशिंग मशीन को जो उसमें कपड़े डालते हो, मतलब चारों साइड छिटका के डाला करा करो, मतलब चारों साइड डाला करा करो, और ये भी देख ले कि उसके जो 4 पैर होते हैं वो सही तरह से फर्श पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अगर ये सही तरह से बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे तो उनको सही तरह से बैठाओ, और जो कपड़े होंगे उनको सही तरह से चारों साइड से डाल दो। इस प्रकार से चारों साइड से जब डालेंगे तो आपका जो E3 का एरर कोड होता है वो हट जाएगा। तो दोस्तों, हमने जो आपको वीडियो दिखाई बिल्कुल प्रैक्टिकल की हुई वीडियो है। तो अगर आपकी और कोई समस्या होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।